अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनाया मलिक। आप देख रहे हैं CBN न्यूज़ HD+। नज़र डालते हैं अहम खबरों की जानिब। जवाब सैदन शाह से खबर शामिल करेंगे। 13 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। अज़ादारों और मोमिनीन की जानिब से जंजीर जनी और मातमदारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद मजलिस अज़ा का अहतमाम किया गया। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह ऐवान हुसैन में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 600 से ज्यादा अहलकार ड्यूटी पर मामूर थे, जिसमें महकमा पुलिस के अहलकार और अफसरान, महकमा सिविल डिफेंस, डेली पुलिस शामिल हैं। रेस्क्यू 112 और ट्रैफिक पुलिस THQ और म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी मौके पर मौजूद था। जुलूस की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए। जगह जगह पानी और दूध की सबीलें लगाई गईं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चवा सैदन शाह, मैडम नादिया परवीन, SHO थाना चवा सैदन शाह वकास भट्टी और DSP चवा सैदन शाह इब्राहिम मौके पर मौजूद रहे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मलिक मुजम्मिल असगर जी। मुजम्मिल साहब, आगाह कीजिएगा। जी, आज हम मौजूद हैं चपाल की तहसील चौसठ शाह में, और मुझ की तरह आज चपाल की तहसील चौसठ शाह में भी रवायती इस सिलसिले में चौसठ शाह में महकमा पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के इंतजाम इंस्टॉल करिए इंतजाम किए गए हैं, और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। जुलूस में महकमे हेल्थ केयर की जानब से और यादव भी है।